वालों को भी क्लियर है? यस सर, ठीक। यस सर। 22 के बाद शीट नंबर 23, यही है 23, यही है 23। 23 में ये एक टॉपिक है, एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, ये आ भी जाती है कि एक फिर से डायपोल लो, फिर से एक डायपोल लो। डायपोल भूल तो नहीं गए, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल ले लिया, उस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर वी निकाल लो। पहले हम क्या निकालते थे? ई निकालते थे, अब क्या निकालना है? वी निकाल लो। इक्वेटोरियल के ऊपर वी निकाल लो, एनी पॉइंट के ऊपर वी निकाल लो। आपने एक चीज नोट की, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। पहले हमने पॉइंट चार्ज में ई निकाला था, अब भी हम पॉइंट चार्ज में वी निकाल रहे हैं, अभी उसी स्टेज पे हैं हम। फिर हम डायपोल इंट्रोड्यूस करते हैं, डायपोल से ई निकालते हैं, डायपोल से वी निकल रहा है। फिर क्या करते थे? फिर हम कॉम्प्लेक्स बॉडीज लेते थे, स्फेयर, शेल, और हम ई निकालते थे। बस अगले लेक्चर में हम शेल स्फेयर्स का वी निकाल लेंगे। फिर रिंग डिस्क की बारी आई थी, ई निकलता था, इसमें अब रिंग डिस्क में वी निकलेगा। फिर आर्क में ई निकलता था, आर्क में वी निकलेगा। फिर वो चैप्टर खत्म हो जाता था, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सेम है, रिपीट है, पहले ई फिर वी, वी वी वी। तो फिर स्टार्ट करते हैं डायपोल के साथ। तो फिर से एक बार डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 2a। तो इस केस में इमेजिन करो कि आपके पास एक डायपोल पड़ा हुआ है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है। सपोज दिस इज q एंड दिस इज माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस कितना है? a, और ये डिस्टेंस भी कितना है? a, राइट। सपोज करो इसके सेंटर से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर एट एन एंगल ऑफ थीटा। सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर। आपको क्या निकालना है? v निकालना है, आपको v निकालना है, राइट। तो अगर आपको v निकालना है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं और एक ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, सच दैट ये जो डिस्टेंस है सपोज करो वो है आर वन, और ये जो डिस्टेंस है सपोज कितना? आर टू। और मैं पूछता हूं कि वी कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे वी की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0। ये क्यू चार्ज कितना वी लगाएगा? क्यू बाय आर, वन। और उसी तरीके से 1/4πε0 माइनस क्यू चार्ज कितना लगाएगा? माइनस क्यू बाय आर टू। तो आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू ने वी लगाना है, माइनस क्यू ने वी लगाना है, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर्स हैं, तो एज इट इज विद नेगेटिव साइन ऐड कर देना, डन। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डायपोल के जितने भी रिजल्ट हैं वो आर वन आर टू में नहीं चलते, वो आर में चलते हैं, और वो ए में चलते हैं, और वो थीटा में चलते हैं। तो आपका आंसर आर वन आर टू में नहीं आएगा। ये तो मैंने खुद अपनी तरफ से क्या ली? अजम्पशन ले ली है कि चलो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इतना है, लेकिन आपका रिजल्ट किस फॉर्म में आना चाहिए? आर में और ए में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट निकालेंगे। देखो कैसे हम क्या करते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये बेटर डायग्राम है, ये देखो। तो आपको ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्लियर है? इस माइनस क्यू प्लस क्यू के सेंटर से, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है? वी निकालना है, क्लियर है। फिर आपने क्या किया, ये आर वन, ये आर वन डिस्टेंस ले लिया, ये आर टू डिस्टेंस ले लिया, ये भी क्लियर है, ठीक। फिर आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया, तो इस लाइन को एक्सटेंड करके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, कोई फर्क नहीं है, ठीक। बताता हूं क्यों किया। और इससे क्या हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है, तो थीटा और थीटा क्लियर है, ठीक है। तो एक एंगल कितना है? थीटा। दूसरा एंगल भी कितना है? थीटा। कोई डाउट इसमें? तो ये कौन से एंगल्स है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर ये साइड ए है, अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे समझ में आता है कि कॉस थीटा इस ट्राइंगल से, इस एक्स, मान लो ये एक्स है डिवाइडेड बाय ए,
तो यानी कि cos थीटा मान लेते हैं डिस्टेंस x है इज इक्वल टू x बाय a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a cos थीटा। तो यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये a है तो ये a cos थीटा, सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्योंकि 90 डिग्री है तो cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a cos थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये a cos थीटा और ये a cos थीटा, राइट? ठीक है, अब यहां से अब हम जो रिजल्ट निकालने जा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं आएगा इसमें। कैसे? ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये r1 है। मैं अप्रोक्सीमेटली कहा, मैंने अप्रोक्सीमेटली क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, a बहुत छोटा है तो a cos थीटा भी बहुत छोटा है, तो r1 अप्रोक्सीमेटली मैं इस लेंथ के इक्वल लेने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों लेंथ को क्या लेने वाला हूं, सेम। अब ये r1 इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ लेता हूं तो ये दूरी कितनी है, r, और प्लस क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो r1 को मैंने इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं लिखा, मैंने कहा अप्रोक्सीमेट, तो r1 अप्रोक्सीमेटली r प्लस a इंटू cos थीटा। कोई डाउट इसमें? तो r1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, r r प्लस a cos थीटा, राइट? फिर से ये लेंथ और अप्रोक्सीमेट ये लेंथ मैं बराबर ले रहा हूं, क्योंकि a इज वेरी वेरी स्मॉल डायपोल में, तो लेंथ देखने में बड़ी है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में बहुत ज्यादा छोटी है ये। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस को मैं बराबर ले रहा हूं, ठीक? तो ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, आर, और ये कितना है, ए कॉस थीटा। तो फिर टोटल मिला के आर वन किसके इक्वल हुआ अप्रोक्सीमेटली, आर प्लस ए कॉस थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अब उसी तरीके से आर टू की बात करते हैं। तो R2 अप्रोक्सीमेटली मैं इसके इक्वल लेने वाला हूं, वो क्यों, क्योंकि a इज वेरी वेरी स्मॉल। अब a स्मॉल है तो R2 अगर इसके इक्वल है, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, R, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, R, R में से क्या माइनस करें, a cos थीटा। फिर देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, R, मुझे ये डिस्टेंस लेना है बस ये वाला, तो इसमें से क्या माइनस करें, a cos थीटा। तो यानी कि r2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, r माइनस a cos थीटा। कोई डाउट इसमें? r1 समझ में आ गया, r2 ये और ये डिस्टेंस सेम, और ये डिस्टेंस होगा क्या, r माइनस a cos थीटा। तो ये डिस्टेंस जो बचा, दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस ए कॉस। तो ये मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली आर टू है। क्लियर है यहां तक? ठीक, बस यहीं तक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आपने ये देखो q की वजह से v निकाल लिया, q बाय आर टू माइनस q की वजह से v निकाल लिया माइनस q बाय आर वन। तो आपने ये कॉमन निकाल लिया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ गया, तो आपके पास R2 R1 अप्रोक्सीमेट आ गया। R2 की जगह ये वैल्यू, R1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये टर्म आ गई। एलसीएम ले लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, तो ये रहा आर आर कैंसिल, कैंसिल करके आपके पास ये टर्म आ गई। ये टर्म में क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डायपोल मोमेंट पी, दिस इज द आंसर। तो यहां तक आपको प्रूव करना है। तो एट एनी पॉइंट डायपोल का v की वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी। अब अगर वो ये कहता है पेपर में कि मुझे तो एक्सियल पे v निकाल के दो, तो आप ये डेरिवेशन तो करोगे ही करोगे, एक स्पेशल केस एंड में लिखोगे इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एक्सियल, तो cos जीरो, cos जीरो, cos जीरो क्या होता है, वन आंसर। और अगर वो कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे v निकाल के दो, इक्वेटोरियल में थीटा की जगह 90, cos 90 क्या होता है, जीरो, तो आंसर स्ट्रेट वे क्या जाएगा, जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? यस सर।
ठीक है, तो बोलो इक्वली ली, अंदाजे से इक्वल ली। हाँ ए स्मॉल एस ले लिया, कौन सी,